मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। नारद के हित के लिए भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया। क्यों? अगर आज मैं सुंदर बना दूंगा तो जिंदगी भर बंदर बनना पड़ेगा। शादी के बाद सब बंदर बन जाते हैं। ये बात मैं नहीं कहती, मानस में लिखा है कि नारी विवश नर सकल गुसाई। 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 नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नट मर कटकी नाई। जब कोई पुरुष नारी के बस में होता है, जब शादी हो जाती है, पति पत्नी घर में रहते हैं, तो पत्नी फिर पति को कैसे नचाती है? जैसे नट बंदर को नचाता है, नचाता है। अब माताएं सब जानती हैं, लेकिन अब हम ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर अगर बोल देंगे तो फिर आप कल से कथा सुने नहीं आएंगी। आप लोग नहीं आएंगे तो हम किसे सुनाएंगे, क्योंकि आप ही लोगों की संख्या ज्यादा है। बाबूजी लोग तो बहुत कम संख्या में हैं, आप लोगों की संख्या ज्यादा है। और हमारे संत महात्मा तो कहा करते हैं, हमारी माताएं हर काम में आगे रहती हैं, हर काम में आगे, भजन करने में आगे, भजन गाने में आगे, पूजा पाठ करने में आगे, दान पुण्य करने में आगे। 500 की नोट पति के जेब से निकल जाएगी, पंडित जी को दे देंगे, पता भी नहीं चलेगा। हर काम में आगे, और कभी कभी मौका पड़ जाए तो लड़ाई झगड़ा में भी आगे। आप जरा साइड हो जाइए, इनसे तो हम ही निपट लेंगे, आपकी तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, है ना। लेकिन राजस्थान की जयपुर की माताओं के लिए बात नहीं है, ये तो MP वाली माताओं की बात है, क्योंकि हम MP से आए हैं। आप तो जयपुर की हैं, कहीं नाराज ना हो जाएं तो कल से कथा में ही ना आएं। तो ध्यान रखिएगा, ये रामचरित मानस में ही लिखा हुआ है। ये तो हंसने की बातें हैं, पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक हैं। और ध्यान रखिए, नारद जी के लिए पत्नी भगवान ने देखा कि इनके लिए ठीक नहीं होगी, क्योंकि नारद जी बाल ब्रह्मचारी हैं, ये भगवान के भक्त हैं। तो नारी को सुपथ कहा गया है और नारी को कुपथ कहा गया है, दोनों हैं, सुपथ हैं और कुपथ हैं। कैसे? भगवान कहते ना कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, अस कह अंत रहित प्रभु भयऊ। भगवान कहते हैं नारद जी, रोगी वैद्य से कुपथ मांगता है तो वैद्य कभी रोगी को कुपथ नहीं देता है। हमें मलेरिया हुआ है मान लीजिए, और डॉक्टर के पास में जाएं और कहें कि हमें चावल खाना है, हमें छाछ खाना है, तो डॉक्टर मना कर देंगे, बिल्कुल नहीं, मलेरिया हुआ है मत खाना, अगर ये खाओगे तो मलेरिया और बढ़ जाएगा, कहेगा। तो हमारी इच्छा कुपथ खाने की है, लेकिन जो हमारा हितैषी है, डॉक्टर है, वैद्य है, तो डॉक्टर पहले वैद्य रहा करते थे, तो वो कभी रोगी को कुपथ नहीं देता है। जो नुकसान करने वाली चीजें हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि आप खा लीजिए। और नारद जी यहां पर रोगी के रूप में खड़े हैं, इनके अंदर जो काम जागृत हुआ है, विवाह करने की इच्छा हुई है, तो ये रोगी के रूप में खड़े हैं, और भगवान नारायण वैद्य के रूप में खड़े हैं। और नारद जी कहते हैं आप मुझे सुंदर बना दो तो मैं जाकर विश्व मुनि से विवाह कर लूं। तो भगवान ने कहा कि आप तो एक कुपथ मांग रहे हैं, नारी आपके लिए कुपथ है,
क्यों? क्योंकि आप बाल ब्रह्मचारी हैं, आप बैरागी हैं। ध्यान रखिएगा, बैरागी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए नारी कुपथ है और गृहस्थ आश्रम के लिए नारी सुपथ है। गृहस्थ में अगर नारी नहीं है, गृहस्थ आश्रम में अगर हमारी माताएं बहनें नहीं हैं, तो वह गृहस्थी पूरी चौपट हो जाएगी। घर में सुंदरता रौनकता दिखाई नहीं पड़ती है, घर वीरान हो जाता है। इन माताओं से ही घर सजा रहता है, हरा भरा लगता है। अगर आप लोग जरा महसूस करें, अगर आप लोग अपने घर में हैं और 15 दिन के लिए बाहर चली जाती हैं, तब घर की स्थिति देखें कैसा घर हो जाता है। लगता जैसे कि यह कबाड़ वाला घर है, घर की रौनकता ही चली जाती, क्योंकि हमारी माताएं लक्ष्मी की स्वरूप हैं, दुर्गा की स्वरूप हैं, सरस्वती की स्वरूप हैं। ये जब रहती है तो घर में चमक रहती है, घर हरा भरा लगता है, घर सुंदर लगता है। अगर ये माताएं ना हो तो घर वीरान हो जाता है। तो गृहस्थ आश्रम के लिए हमारी माताएं सुपथ हैं, बहुत सुंदर हैं। लेकिन विरक्त आश्रम के लिए कोई जटाधारी बाबा जोगी आश्रम में रह रहे हों, राम राम जप रहे हों, और वहाँ कोई देवी पहुँच जाए कि हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं, आप हमें स्वीकार कर लो, आप हमें पत्नी बना लो, और वहाँ पर रहने लगे, तब बाबा जी क्या करेंगे? ना तो श्रीमती जी की देखभाल कर पाएंगे, ना भगवान की देखभाल कर पाएंगे, ना भगवान का भजन कर पाएंगे, ना उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। क्योंकि माताओं को बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। सुंदर सुंदर वस्त्र चाहिए, सुंदर आभूषण चाहिए, सुंदर सुंदर श्रृंगार करने की वस्तुएं चाहिए, सुंदर घर चाहिए, क्योंकि ये सब पर्दा की वस्तु माताएं जो हैं सब पर्दा में रहने वाली हैं, इन्हें सुंदर एक मकान की आवश्यकता है ना। और बाबा जोगी तो वीराने में रहते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, वो कैसे रहते हैं? वो कहते हैं जमीन पे लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो हमेशा अपना बिस्तर तकिया साथ रखते हैं, ये साधु संतों की रहन है। धरती पर लेट गए, राम राम जपते रहे, हाथ नीचे रख लिया तो तकिया हो गई और जमीन ही उनका बिस्तर है, बस सो गए राम राम जपते। लेकिन माताओं का ऐसे जीवन तो चलेगा नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि संत महात्माओं के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए नारी कुपथ है और गृहस्थ आश्रम के लिए नारी सुपथ है। और नारद जी भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए भगवान ने कहा मैं तुम्हारा विवाह नहीं कराऊंगा। और उनके हित के लिए प्रभु ने बंदर बना दिया। देखिए बंदर तो बने ही थे, इतना बस रूप बंदर का था और पूरा बढ़िया सुंदर था। भगवान नारायण के माला गले में है, कौस्तुभ मणि है, हाथों में बढ़िया सुंदर सुंदर गजरे लगे हुए हैं, सुंदर है बढ़िया, लेकिन इतना बस बंदर वाला रूप था। नारद जी को लगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, स्वयंवर सभा में पहुंच गए, विश्व मोहिनी जी वहां से माला लेकर के आई और जैसे नारद जी को सामने देखा बड़ा गुस्सा आया, सामने बंदर आ गया, बहुत क्रोधित हो गई और फिर दोबारा भूल करके भी नहीं देखती हैं। जिहि दिसि नारद बैठे फूली, सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली। भूल करके भी फिर विश्व मोहिनी जी ने नारद जी को नहीं देखा। चारों तरफ घूमती रही, भगवान नारायण आए और उनके गले में माला डालती हैं विश्व मोहिनी जी और फिर भगवान नारायण उनको लेकर चले गए। अब नारद जी बड़े नाराज हुए, भगवान पर बड़े गुस्सा हुए और जो रुद्रगण बैठे थे बगल में नारद जी की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि नारद जी आप बड़े सुंदर हैं, आपका ही विवाह होगा। लेकिन जब नारद का विवाह नहीं हुआ तो नारद जी रुद्रगणों पर बड़ा नाराज हुए, तुम लोग तो कह रहे थे कि बड़े सुंदर, फिर हमारा विवाह क्यों नहीं हुआ? विश्व मोहिनी ने मेरे गले में माला क्यों नहीं डाली? रुद्रगण बोले अब तो हम नहीं जानते हैं, अब अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद मुंह देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि विश्व मोहिनी जी ने माला क्यों नहीं डाला है। अब आप बंदर बने हो तो कैसे डाले? और जैसे नारद जी ने अपना मुख देखा जल में,
बंदर का रूप दिखाई पड़ा, बड़ा क्रोध आया और उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दे दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसे हो हम ही सो ले पल बहुर हंसे हो मुनि को। देवऋषि नारद जी ने रुद्रगणों को राक्षस होने का श्राप दिया। रुद्रगण बेचारे दीनहीन होकर के चरणों में गिर गए। हे मुनिवर, हमने तो आपको बस इतना ही बताया था कि आप बड़े सुंदर हैं, विचित्र सुंदर हैं, आपने हमें राक्षस होने का श्राप दिया है, अब जिसने आपको सुंदरता दी है उसके लिए क्या है? सुंदरता किसने दी? भगवान नारायण ने। तो अब उनके लिए आप क्या करेंगे? बोले बस अब उन्हीं के पास जा रहे हैं। और नारद जी भगवान के पास में गए। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सुई राजकुमारी। भगवान बीच मार्ग में ही मिल जाते हैं। और नारद जी ने फिर भगवान को बहुत कटु शब्द कहते हैं और भगवान को तीन श्राप देते हैं, एक नहीं तीन श्राप। और कितने कटु शब्द? भगवान को स्वार्थी कहते हैं, कपटी कहते हैं, आप छलिया हैं, असुर सुरा विष संकर रही आप रमा मनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। आप बड़े स्वार्थी हैं, बड़े कपटी हैं, आपका हमेशा जो है ऐसा ही व्यवहार रहा है। जब समुद्र का मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकली तो स्वयं ले लिया, लक्ष्मी जी निकली स्वयं ले लिया, और जब विष निकला तो बेचारे भोले बाबा को पिला दिया, और जब सुरा निकली तो जाकर के दैत्यों को पिला दिया, अमृत निकला तो अपने देवताओं को पिला दिया। आप बड़े स्वार्थी हैं, कपटी हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, नारद जी लगे भगवान को कटु शब्द कहने। आप दूसरे का बनता हुआ देखना ही नहीं चाहते हैं, आपको तो जलन होने लगती है, इसीलिए आप सबका बिगाड़ने में लगे रहते हैं। और फिर भगवान को तीन श्राप देते हैं। आज आपने मुझे विवाह करने से वंचित किया है, तो मैं आपको श्राप देता हूं। बंचे मोहि जवन धरि देहा, सो तनु धरहु श्राप मम एहा। पहला श्राप है, जिस राजा के रूप को धारण करने करके आपने मुझे विवाह से वंचित किया है, आप पुनः राजा का रूप ही धारण करेंगे, मनुष्य बन करके धरती पर आएंगे। एक ये श्राप। दूसरा श्राप, ममे अब कार्य कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। आप जब जंगल जाओगे, मनुष्य बन करके धरती पर आओगे, फिर माता पिता की आज्ञा से जंगल में जाओगे, तो आपका आपकी पत्नी के साथ वियोग होगा, आपकी पत्नी का हरण होगा। और जब पत्नी से आपका वियोग होगा, तब आपको पता चलेगा कि पत्नी से वियोग होने में कितना कष्ट होता है, तब आपको चलेगा पता। तो भगवान को ये श्राप दे दिया। तीसरा श्राप, कपी आकृति तुम कीन हमारी, करहे की सहाय तुम्हारी। आपने मुझे बंदर बनाया है, जब आप पर संकट आएगा तो बंदर ही आपकी रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे। लेकिन धन्य है प्रभु को, भगवान ने नारद के तीनों श्राप को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया।